डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 19, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो देखिए हमें यहाँ गिवेन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो वैल्यू है इसकी 19 है और ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, आइडेंटिटी यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू 19, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए ये हम जानते हैं कि 19 एक प्राइम नंबर है, तो यानी प्राइम नंबर है तो यानी इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते अदर देन 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो यानी ओनली फैक्टर जो पॉसिबल है इसके वो हो जाएंगे 1 into 19। ठीक, तो यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू आइदर 1 होगी और 19 होगी, सिमिलरली ए माइनस बी की वैल्यू आइदर 1 होगी या 19 होगी। और देखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो दैट मीन्स ए और बी का जो सम होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और लेकिन ए माइनस बी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ए माइनस बी भी पॉजिटिव होगा, तभी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो यानी ए प्लस बी पॉजिटिव, ए माइनस बी पॉजिटिव, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं 10 और बी की वैल्यू ले सकते हैं 9, क्योंकि ए और बी जब हम सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19, तो ये टर्म हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस बी तो वो हो जाएगा 10 - 9 दैट इज़ 1, तो एक फैक्टर होगा ए प्लस बी के लिए और एक फैक्टर होगा ए माइनस बी के लिए। ठीक, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 10 and 9, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है ओनली वैल्यूज ऑफ ए, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन दैट इज 10, सो दिस इज द आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।